हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो का टाइटल देख के आपको ये पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कोर्सेज में न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी है वो है 17 अगस्त 2024, और जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन है वो है 16 सितंबर 2024। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आई हैं वो है 1376, जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्टेस आई हैं, जिसमें से नंबर वन पोस्ट है डाइटिशियन की, जिसकी एज लिमिट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, फिर है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की, फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, फिर है डेंटल हाइजीनिस्ट की, डायलिसिस टेक्नीशियन की, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की, लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड थर्ड की, परफ्यूजनिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड सेकेंड की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट की, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की, स्पीच थेरेपिस्ट की, कार्डिक टेक्नीशियन की, ओपोलोमेट्रिक्स की, ECG टेक्नीशियन की, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड की और फील्ड वर्कर की। इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, उसके बाद आई है फार्मासिस्ट की, फिर आई है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड की, जिसमें 126 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड में आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है 94। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है? आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो है 90 मिनट्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 आने वाले हैं, जो कि MCQ पैटर्न में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है हर एक क्वेश्चन की। सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से रहने वाले हैं वो है प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल साइंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में क्या है? प्रोफेशनल एबिलिटी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 आएंगे, जिसके मार्क्स भी 70 रहेंगे। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आएंगे, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्वेश्चन 10 आएंगे, जनरल साइंस में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो गए 100 और टोटल मार्क्स भी आपके हो गए 100। अब आपका सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि डाइटिशियन का, डायलिसिस टेक्नीशियन का, लैब असिस्टेंट का, इन सब का। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है पर्टिकुलर पोस्ट की आपको आपके स्क्रीन पर विजिबल है, जैसे डाइटिशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड, लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड थर्ड, ऑप्टोमेट्रिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरेपिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।